भाई स्पेशल हम लोग ना ये फायरवर्क देखने के लिए इतने दूर से आए और हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फुल कैच कर लिए मोमेंट। अच्छा, इससे पहले फायर शो की आपने पूरी फुटेज देखी है, मैंने थोड़ी स्पीड में चला दी थी, आप लोग बोर ना हो। ये ड्रोन शो हुआ जो हमने मिस कर दिया था, लेकिन थोड़े से जो मैंने मोमेंट्स कैच किए वो मैंने यहाँ पे अपलोड किए। अच्छा, ये जो ड्रोन शो है, ये जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ देखती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सऊदी अरेबिया में, और इन लोगों के इन तमाम फंक्शंस का बजट इतना बड़ा होता है, स्पेशली ये फायरवर्क और ड्रोन शो का, कि सारा बजट एक साइड पे और ड्रोन शो और फायरवर्क का बजट एक साइड पे, और वो लोग ईद पर और अपने नेशनल डेज पे ना ये खूब 10-10, 15-15 मिनट की फायरवर्क करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर मैसेज, जब मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी स्टोरी लगाती हूँ, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस लगाई हैं फायरवर्क की, तो ये कब होता है, किस तरह होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ना ईद के 3 दिन हुआ था, हमने फर्स्ट 2 डे मिस कर दिए, लेकिन 3rd डे हमारा मिस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, हमने कहा नहीं हम जाके देख कर तो आए कि कैसा है। हालांकि हम हर दफ़ा देखते हैं, नेशनल डे पे देखते हैं, फाउंटेन डे पर देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद, और ये ईद का तो इतना माइंड ब्लोइंग था कि मैं आप लोगों को ना लफ्ज़ों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, जिस जिस बंदे ने वहाँ पे देखा है ना उन सबको पता। और ये आप लोग थोड़े से मनाजिर देख रहे हैं ड्रोन शो के, और ये जो कुछ भी होता है ना, ये लोग ईद से एक हफ्ता पहले या 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, जैसे नेशनल डे पे जो एयर शो होता है और फायर शो होता है, तो वो लोग भी एक हफ्ता पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं इतने बजे होगा और इस जगह पे होगा। ये तकरीबन ये जो कुछ भी होते हैं ये यहीं पर होते हैं, 8 पोमेंडा में ही होते हैं, जद्दा कॉर्निश पे, उसके अलावा कोई इनकी अदर प्लेस नहीं होती, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे ये लोग आराम से विदाउट एनी टेंशन के ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ड्रोन शो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा धुंधला, क्योंकि ये मैं अपने सेलफोन से बनाई है फुटेज, क्योंकि कैमरा इतना ज़्यादा जूम नहीं करता। ये सारी फुटेज मैंने गाड़ी में बैठकर बनाई है ड्राइव करते हुए, और वो देखिए अभी जो यहाँ पे ड्रोन शो हुआ है ना वो हमने मिस कर दिया, लेकिन थोड़े वो जो क्लिप मैंने डाले लिए हैं मोबाइल से, आई डोंट नो वो कैसे वर्क होंगे, बट स्टिल मैं डालूँगी उन्हें। और ये देखें अब वो सारे ड्रोन नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ यहाँ पे अपना कर्तव्य दिखाना था वो दिखा दिया, वो अपने घर को जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मंजिल फलक और मैं हूँ फलक खान। आज है ईद का डे 3, ठीक है, और हम लोग आए हैं यहाँ पे फायरवर्क देखने 8 पोमेंडा जद्दा में, और साथ में ड्रोन शो। अच्छा, इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर 8 पोमेंडा की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मैं लिंक्स ऊपर काट करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो भाई ये देखें, ये है एंट्री गेट जिसके ऊपर आपको अरबी पर ईद सईद लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विशेज़ लिखी हुई उन्होंने ईद की, और उसके बाद ज़रा ये वाला गेट चेक करें कितना खूबसूरत डेकोरेट किया ईद के हवाले से, मुझे ना ये बटरफ्लाइज बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ज़रा आप लोग आगे आगे मनाजिर देखते जाएँ। इंटर होने के बाद राइट साइड पर यहाँ पर पूरी मीडिया कवरेज टीम्स थी डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की, जो लोगों से इंटरव्यू ले रही थी और पूरे इवेंट को कैप्चर कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना 8 पोमेंडा में जद्दा सीज़न भी लगता है, रमज़ान सीज़न भी लगा और अब ईद सीज़न लगा हुआ है, और जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि एवरी टाइम यहाँ पे एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, और ये अच्छी खासी लाइट एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, स्टॉल्स डिफरेंट होते हैं, मतलब ओकेजन्स के हिसाब से ही यहाँ पर चीज़ें लगती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ चलती आ रही। आ जाओ अहमद। और अभी आप लोगों को मैं बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये चेक करें ज़रा।
साथ सारे फूड स्टॉल्स। अच्छा मैं अक्सर ना ये बात सोचती थी पहले यार यहाँ पे ये क्या सीन है, ये फूड स्टॉल्स क्यों होते हैं यहाँ पे, तो फिर बाद में मुझे इस बात का पता चला जहाँ पे हमने कार पार्क की है ना, कार पार्क करके यहाँ तक चल के आने तक ना जो आधा खाना होता है ना वो हजम हो जाता है। उसके बाद ये इतना बड़ा है आठपरमंडा कि इसके अंदर चल चल के आपको इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, तो फिर बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ना सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन नहीं लें, आप लोग घूमें फिरें इन्जॉय करें। अच्छा नज़दीक ना मर्दों का हजूम ज़्यादा था तो मैं बड़ी हैरान, मैं क्या मर्द इतने गौर से सुन रहे इतने अच्छे कोई स्टार आए हुए, तो मैंने बड़ा एक साइड पे तीन चार लड़कियां खड़ी थी मैंने उनमें घुस के वीडियो बनाई है, वो पता चला है कि सिंगर जो है वो लेडी है, मेल सिंगर नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हजूम मर्दों का आगे है। आप लोग इस साइड पर देख सकते हैं जरा डेकोरेशन चेक करें, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत डेकोरेशन है हर जगह पे ना, इतनी लाइटिंग। अच्छा जहाँ पे छोटी छोटी गेम्स जो होती हैं लड़कों की फेवरेट गेम्स, सोकर टेबल सोकर एंड ऑल अदर स्मॉल गेम्स, यहाँ पे सारा वो हजूम है, जितने भी यंगस्टर हैं ये वो खेल रहे हैं। ये आगे आप लोगों को अगेन इलेक्ट्रिक राइड्स नज़र आ रही हैं। अच्छा ये साइड मिस ना हो जाए, ये कुछ नया सब सेटअप है, तो मैंने कहा ज़रा नज़दीक जाके देखूँ ये क्या है। अच्छा यहाँ पर सारी लेडीज़ हैं, आधी लेडीज़ कैरम बोर्ड खेल रही हैं और इनो और इस तरह के गेम्स यहाँ पे लोग खेल रही हैं, सब लेडीज़ बैठी हुई हैं। उसके बाद आपको चेंजिंग नज़र आ रही है, तो चेंजिंग ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे कुछ राइड्स जो है ना वो नई नज़र आ रही है, बाकी अभी मैं घिरते घिरते बची हूँ, राइड्स कुछ नई नज़र आ रही है प्लस बाकी डिज़ाइनिंग सारी नई है, बाकी सब कुछ वही है जो आम रूटीन में होता है। अच्छा ये इस आर्ट पोमेंडा की ना सबसे स्पेशलिटी अगर आप लोग कहना तो कह सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना हर बंदे का विश होता है कि वो इसे जीते, और अगर जीत जाए ना फिर गाड़ी में हमने लोगों को देखा ये किस तरीके से ना ठूस के इसको लेके जाते हैं, जैसा कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि ये गाड़ी में नहीं आती है। और ये देखें रमज़ान सीज़न में सिर्फ ये रेडियो था और सामने इन लोगों ने ईद पर फ्लावर्स रख दिए हैं, और ये तो आप लोगों को मेरा जो रमज़ान सीज़न का व्लॉग है ज़रूर देखिएगा, और ये इन लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दिया सब कुछ, बड़े खूबसूरत से कलरफुल से यहाँ पे पर इन लोगों ने बैनर से लगा दिए और अच्छा लग रहा है भाई, ऐसी कलरफुल सी ईद होती है, खूबसूरत लग रहा है सारा सेटअप भाई। इस तरह के फेस्टिवल जो होते हैं ना बस्ट होते हैं अपनी चीज़ की प्रमोशन करने के लिए, कोई नई टाइप की बहूर है बड़ी ज़बरदस्त लगी, बहुत अच्छी खुशबू है, साथ में इसके हाथ में आप लोग इतर की बोतल देख रहे हैं जो हर एक लेडी को लगा रही हैं, और जाहिर सी बात है प्रमोशन कर रही हैं भाई अपने प्रोडक्ट की, गुड वेरी गुड। उसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ ना गावे की ट्रेस भी लेकर घूम रही थी, जूसेस की प्रमोशन कर रही थी अपनी अपनी चीज़ों की, और बड़ा लोग कार्ड्स ले रहे थे और उनसे नंबर ले रहे थे भाई। हिम्मत है इन लोगों की, आप लोग मेरा रमज़ान सीज़न का व्लॉग देखिएगा, सब कुछ चेंज है, कलर्स चेंज है, डेकोरेशन चेंज है, लाइटिंग चेंज है, इनकी हिम्मत है, ये सब कुछ इन्होंने चांद रात वाले दिन की है, तो एक एक चीज़ चेंज है। आज हम तीसरे दिन आए हैं, हमें फर्स्ट डे ही आना चाहिए था। बस भाई अभी जो है तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, अभी हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा खाते हैं और उसके बाद बस घर के लिए रवाना होते हैं। अच्छा वैसे मैं सीरियसली आपको बताऊं, इन जगहों का जो खाना होता है ना, मुझे रमज़ान सीज़न जब हम देखने के लिए आए थे मुझे खाना ज़रा भी नहीं अच्छा लगा था, सीरियसली वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि भूख बहुत ज़्यादा लगी और ये ब्रांड है तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से बाय कर लेते हैं, तो हमने ऑर्डर दे दिया, बट आई डोंट नो टेस्ट कैसा होगा। तो भाई मुझे उम्मीद है ये मेरा छोटा सा जो आज मैंने ईद के थर्ड डे का जो व्लॉग बनाया आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, हमने बहुत इन्जॉय किया,
गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं इसीलिए ना आपकी होस्ट एंड दोस्त को ना पिंपल्स निकले हुए हैं, तो इसलिए ना मैंने मेकअप नहीं किया कुछ भी। लेकिन मैंने यहाँ पे आके ना बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने मेकअप नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीनों से ना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा आप लोगों को। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह ने के बाद।